दिग्गज एफएमसीजी कंपनी आईटीसी लिमिटेड से आईटीसी होटल्स की डीमर्जर को शेयर होल्डर से मंजूरी मिल चुकी है। 99.6% शेयर होल्डर्स ने डीमर्जर के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि आईटीसी और आईटीसी होटल्स के शेयर धारकों और क्रेडिटर्स के बीच स्कीम ऑफर अरेंजमेंट की मंजूरी के लिए ई वोटिंग हुई, जिसमें डीमर्जर को मंजूरी दे दी गई थी। इस डीमर्जर को एक्सचेंज और सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन से मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी। शेयरधारकों से मंजूरी मिलने के बाद पेरेंट कंपनी से आईटीसी होटल्स को अलग कर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराया जाएगा। आईटीसी के हर शेयरधारक को पेरेंट कंपनी के 10 शेयर पर होटल बिजनेस का एक शेयर मिलेगा, यानी 10:1 का रेशियो है। होटल बिजनेस वाली कंपनी में 40% हिस्सेदारी पेरेंट कंपनी के पास रहेगी, यानी आईटीसी के पास रहेगी। बाकी 60% हिस्सेदारी आईटीसी के शेयर धारकों के पास होगी। आपको बता दें कि 14 अगस्त 2023 को आईटीसी बोर्ड ने इस डीमर्जर को मंजूरी दे दी थी। आईटीसी के शेयर पर नजर डालें तो 5 साल में इस शेयर ने 57.71% रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया। वहीं शॉर्ट टर्म में इस शेयर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देखी गई। एक साल में शेयर ने -0.99% का रिटर्न दिया, यानी शेयर धारकों को घाटा हुआ। पिछले 6 महीने में भी इसकी परफॉर्मेंस घाटे में ही दिखी, -2.37% रिटर्न। आईटीसी लिमिटेड के डीमर्जर को 2024 के अंत तक पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि आईटीसी होटल्स में 115 होटल आते हैं, जो 80 से ज़्यादा डेस्टिनेशंस पर हैं। इस डीमर्जर की खबर आने के बाद आईटीसी के शेयर में 0.71% की बढ़ोतरी भी देखी गई। क्या आपके पोर्टफोलियो में भी आईटीसी का शेयर है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा। और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।